हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू वी फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। सो आज हम लोग 18 से सॉल्व करेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हमें करना है, ठीक है। सो चैप्टर 17 एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर क्लास 7, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। और ये आप बोलना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे सभी जितने भी सम्स है सबके यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे और बहुत ही इजी सॉल्यूशन मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा तो यही एम है ना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरा यही एम है कि हर उन बच्चों के पास मेरा ये मैथ्स का ये पहुँचे वीडियो, जो कि ट्यूशंस नहीं ले पाते हैं और जो अभी फ़िलहाल कोरोना के कारण नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है प्लीज़ उसे क्लिक ज़रूर करना, जिससे कि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे, मेरी वीडियोज़ के नए नए अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे मोहल्ले के वर्गाकार क्लब है, ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर शेप्ड है क्लब। घर की एक लंबाई, घर की तरफ की लंबाई 15 मीटर है और उसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है। उस क्लब घर में 1.5 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे चार दरवाजे हैं, ठीक है। दरवाज़ा छोड़कर प्रति वर्ग मीटर 350 रुपये की दर से चारों दीवारों को रंगने में कितना खर्च होगा, ये हमें निकालना है। बहुत ही ईजी है, चलो इसे बनाते हैं। सो यहाँ क्या है, लेंथ, पहले तो हम स्क्वायर शेप्ड ये रूम है, स्क्वायर शेप्ड है ये, ठीक है। और इसका लेंथ दे दिया है 15 मीटर, ओके। और चूंकि ये वर्गाकार है इसलिए इसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, यानी कि ये आयत नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सेम होता है, ओके। और इसका हाइट रूम है इसलिए हाइट तो ज़रूर होगा, इस तरह से ऊंचाई। सो इसका हाइट कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई यहाँ 15 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में 15 मीटर है, ये रॉन्ग है, 5 मीटर होगा इसका, ओके। सो यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ 5 मीटर होगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू 15 मीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द रूम इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी एरिया ऑफ द फोर वॉल्स निकालना होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे लास्ट में भी यही बोला जा रहा है कि दरवाज़ा और खिड़की को छोड़कर, दरवाज़ा है खिड़की नहीं है, दरवाजे को छोड़कर उसको ये कलर करने में कितना खर्च पड़ता है, यानी चारों दीवारों को कलर करने में। इसका मतलब है कि हमें इसका एरिया ऑफ द फोर वॉल निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ द रूम इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, एरिया ऑफ द फोर वॉल स्क्वायर शेप्ड है इसलिए 4 इंटू सेम होगा हाई लेंथ इंटू ब्रिथ, ब्रिथ तो यहाँ है नहीं, लेंथ इंटू हाइट, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द फोर वॉल रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ द फोर वॉल। जबकि यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर शेप्ड है इसलिए डायरेक्ट मैं 4 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ओके। और यहाँ लेंथ प्लस ब्रिथ है, यहाँ ओनली लेंथ होता है, स्क्वायर में एक ही होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सो 4 इंटू, ओके, 4 इंटू 15 इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना ये इसमें, ओके। तो ये हो गया 300 स्क्वायर मीटर। अब ये रूम का निकल गया, हमारा क्षेत्रफल निकल गया, एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है, एरिया जो इसका जो लेंथ दिया हुआ है दरवाजे का वो, और उसका ब्रिथ, ये हमें दोनों देखना है, ऊंचाई यानी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द डोर इक्वल टू 1.5 मीटर, ओके,
एंड इसका हाइट कितना दिया है, हाइट रेक्टेंगुलर ही होता है डोर, इतना याद रखना। सो लेंथ और ब्रिथ, यानी ये है लेंथ और ये हो गया ब्रिथ, ठीक है। सो हाइट, हाइट इक्वल कितना दिया है, तो 2 मीटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ डोर, यहाँ 4 दरवाजे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूँगी, दैट इज़ लेंथ ऑफ द 4 डोर इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, चलो इसे मैं लेंथ ऑफ द डोर डायरेक्ट नहीं करती हूँ, लेंथ ऑफ द डोर इक्वल टू 1.5 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सो स्क्वायर मीटर, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर मीटर। ये एक डोर का निकला, हाँ, लेंथ ऑफ 1 डोर। सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 4 डोर इक्वल टू 4 × 3 दैट इज 12 स्क्वायर मीटर। ये 4 डोर का निकला। अब हमें क्या करना है, ये रूम का जो चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल जो हम लोगों ने निकाला है वो इसमें से टोट, उसमें क्या है, दरवाज़ा भी इंक्लूड हो रहा है। सो हमें इन दरवाजे को माइनस कर देना है और उसके बाद हमें इसका वॉल को कलर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया ऑफ रूम विदाउट डोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ 300 − 12 स्क्वायर मीटर। सो ये हो गया 288 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रंग करने में कितना खर्च होगा, ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रति वर्ग मीटर यानी पर स्क्वायर मीटर यहाँ खर्च हो रहा है 350, तो इतना में कितना खर्च होगा, तो यही हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ अच्छा से लिखना होगा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर रूम इक्वल टू कितना दिया है, तो 350 रुपीज़, ओके। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 288 स्क्वायर मीटर रूम का कितना हो जाएगा, 288 × 350, ये इतना रुपीज़, ओके, दैट इज़ यहाँ पे आएगा 100800, इतना रुपीज़ लगेगा टोटल कॉस्ट पेंटिंग कराने में, ठीक है। तो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, चित्र बनाएं और हिसाब करें एक आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच का वर्गाकार तालाब पहले बनाना है, ठीक है, जिसके 3 तरफ से 3 मीटर चौड़ा पार बंधा हुआ है और एक पार में 18 मीटर चौड़ा बगीचा है, तो तालाब का क्षेत्रफल कितना है और रास्ता का क्षेत्रफल कितना है, यानी इसका इस तरह से हमें ड्राइंग बनाना होगा। पहले तो ये आयताकार है यानी रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये इस टाइप से रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर एरिया, इसके बीचों बीच एक वर्गाकार तालाब है स्क्वायर शेप्ड का, यहाँ पे पॉन्ड है, ओके। वैसे थोड़ा इसमें एक काम करती हूँ, इसको ही थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ, और इसमें स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड है, ओके, स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड है जिसमें दिया हुआ है कि 3 तरफ से 3 मीटर विड्थ का रास्ता है, ओके, उसके बाद और एक तरफ से क्या दे दिया है, 18 मीटर यानी 18 मीटर, यहाँ 18 मीटर का चौड़ा बगीचा है, ठीक है। सो ये 18 मीटर का यहाँ पे इधर में गार्डन है, गार्डन, ओके। तो यहाँ बोला जा रहा है कि तालाब का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, लेंथ ऑफ द पॉन्ड हम पहले निकालेंगे, लेंथ ऑफ द
पॉन्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ द पॉन्ड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई रास्ता का कितना है, 3 मीटर है, और ये जो 18 मीटर जो दिया हुआ है, 18 मीटर चौड़ा बगीचा है, कहने का मतलब ये लेंथ नहीं दिया है, ब्रिथ दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये 18 मीटर जो ब्रिथ दे दिया है यहाँ पे, उसमें से हम इसको यदि माइनस कर देते हैं रास्ते का चौड़ाई, तो इसका निकल जाएगा लेंथ। ओके, स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द पॉन्ड इक्वल टू 18, ये वाला 18 ध्यान देना है यहाँ पे, 18 माइनस, जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अब वाले, 3 जो चौड़ाई है रास्ते का, इंटू 2, दैट इज 18 माइनस 6, सो यहाँ पे हो गया 12, सॉरी स्क्वायर नहीं, 12 यहाँ मीटर हुआ। ओके, सो लेंथ ऑफ द पॉन्ड निकल गया, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ द पॉन्ड इक्वल टू 20 × 20, दैट इज 144। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, सो 20 × 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन हमारा मिल गया, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो ये हो गया 1। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ये जो 18 मीटर का, देखो एक रेक्टेंगल जब होता है, जब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये 2 स्क्वायर में ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही यहाँ पे रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जो लेंथ दिया है ना, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से, यानी कि ये भी 18 ही है, ये चारों तरफ से 18 ही है। ओके, तो हमें यहाँ वही लेकर चलना पड़ेगा, वही रूल अपनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर सेप्ट, अब ये कैसा हो गया है, स्क्वायर सेप्ट में हो गया है, क्योंकि बीचों बीच एक तालाब यानी पॉन्ड आ गया है। सो लेंथ ऑफ स्क्वायर सेप्ट इंक्लूडिंग पॉन्ड इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी वही है, ये भी वही है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडिंग पॉन्ड है, यानी पॉन्ड को लेकर ही यहाँ पे 18 मीटर लेंथ है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर सेप्ट इंक्लूडिंग पॉन्ड इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज 18 × 18, सो ये हो गया 324 स्क्वायर मीटर। सो अब हमें एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू ये बड़े वाले एरिया में से ये वाले एरिया को हम माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, आप लोग यहाँ ध्यान देना, ये वाला मैंने एरिया निकाला है। ठीक है, ये वाला एरिया बड़ा वाला, अभी जो ये 18 × 18 मैंने किया, ये वाला एरिया निकाला, उसमें से ये स्मॉल एरिया हम माइनस कर देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द पाथ निकल जाएगा। सो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू 324 माइनस 144, ये वाला जो निकला, ओके, स्क्वायर मीटर, दैट इज 180 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना, ये बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो इसमें स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यही मैंने बताया आपको, पहले इधर का कोई काम नहीं है, हमें इधर का ही सारा है, पहले तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे माइनस करके 18 से। ठीक है, यानी ये जो 18 दिया हुआ है, ये 18 हर तरफ है, हाँ, कहने का मतलब ये स्क्वायर सेप्ट में हो जा रहा है। ठीक है,
तो उसी से हमने इसका 12 लेंथ निकाला, उसके बाद इसका एरिया निकाले, उसी तरह से ये जो ये बड़े वाले एरिया निकाल लेंगे और उससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरे आयताकार घर की लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे आपको खुद ही फिलअप करना है इसे। इतना दिया हुआ है, खिड़की दरवाज़ा सहित मेरे आयताकार घर का चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही आसान है, तो यदि हम कुछ भी माने यहाँ, सपोज़ मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 बता रही हूँ, थोड़ा सा बता दूँ, आप लोग यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ लेंथ सपोज़ मैं यहाँ पे 6 ले लूँ, ठीक है, और ब्रेथ यहाँ यदि मैं ले लूँ 4 और हाइट ले लूँ यहाँ 2, ठीक है, 6 4 2, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द 4 वॉल क्या होगा, टोटल एरिया, एरिया ऑफ द 4 वॉल, ओके, दरवाजे सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द 4 वॉल इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू हाइट क्या है 2 और लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज 6 प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 6 4 10, ओके, सो यहाँ 40 स्क्वायर मीटर आया। तो ये आपको खुद ही पुटअप करना है यहाँ पे, क्योंकि 6 4 2 मैंने खुद से लिया है, आपको भी यहाँ खुद से आप पुट करके देख लेना क्या क्या ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मैंने बना दिया है, आप लोग भी अपने से खुद ही ये नंबर ले लेना और बना लेना, ठीक है। तो गाइज इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हमारा ये चैप्टर 17 समाप्त होता है, ओके, कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, मेरा वीडियो का रिक्वेस्ट आया है कि मैं 12 से स्टार्ट करूं, सो मैं 12 नेक्स्ट वीडियो में 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।